फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले फेडरल बैंक के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टैंडर्ड लोन नंबर्स, जहां पे टोटल इनकम 3948 करोड़ है। लास्ट क्वार्टर में 3926 करोड़ था, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3843 करोड़ था। सो मोर ऑर लेस सिमिलर काइंड ऑफ नंबर। ये जो फिगर है वो लैक्स में, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। नाउ अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, 3150 करोड़ लास्ट क्वार्टर में, 3012 करोड़ था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, 2946 करोड़ था। एक्सपेंसेस भी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बढ़ा है। नाउ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर को देखें, वो है 722 करोड़। लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 700 करोड़ था, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 642 करोड़ था। एंड अगर हम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड को देखें, 540 करोड़ वर्सेस 521 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 477 करोड़ थे। एज पर स्टैंडअलोन प्रॉफिट रिजल्ट इज गुड, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूवमेंट आया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एनपीए। अगर हम एनपीए देखें, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। 2.80 आया है नेट ग्रॉस एनपीए, जो कि लास्ट क्वार्टर में 3.06 था, यानी 3.06% से 2.80%, एंड नेट एनपीए 1.05% से 0.96%। सो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए घटने का मतलब होता है प्रोविजनिंग का घटना, जिसका इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में हमेशा ही आता है। सो स्टैंडर्ड लोन नंबर इज गुड, ऐसा नहीं कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग धमाकेदार नंबर है, बट जिस तरह से स्टॉक रिएक्ट कर रहा है एट दैट मोमेंट ऑलमोस्ट 89-88 करोड़ के करीब है। आफ्टर द रिजल्ट 5-6% का करेक्शन आया है। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ बाइंग लेवल। कहां पे आपको बाय करना है, दिस इज द मोमेंट। 90 के नीचे स्टॉक वीक तो होता है, बट 90 के नीचे ही बाई करना है। थोड़ा आपको यहाँ पे बाय करना है 84-85 के लेवल पे, एंड एट द एंड 78-80 के लेवल पर। आई डोंट थिंक सो ये इतने नीचे जाएगा, बट अगर यहाँ पे आप बाई करते हो, डेफिनेटली आने वाले टाइम में 100 तक का टारगेट इस स्टॉक से आपको मिलेगा। नाउ स्टैंडअलोन नंबर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर हम इस पर्टिकुलर बैंक के कंसोलिडेटेड नंबर को भी साइड बाय साइड देख ले, देन वो कुछ इस प्रकार है, जहां पे अगर हम टोटल इनकम को देखे, वो है 4170 करोड़ वर्सेस 4125 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4008 करोड़ था। टोटल इनकम स्लाइटली अपसाइड पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टोटल एक्सपेंसेस 3308 करोड़ वर्सेस 3160 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3068 करोड़ था। एक्सपेंसेस भी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूव हुआ है। नाउ अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे, 861 करोड़ वर्सेस 964 करोड़, यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन हम देख सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 777 करोड़ वर्सेस 724 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 672 करोड़ था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंप्रूव हुआ है। नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड 581 करोड़ वर्सेस 540 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 500 करोड़ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 40 करोड़ का अपसाइड है, ईयर ऑन ईयर बेस पे 80 करोड़ का अपसाइड है। इन एनी नंबर्स मुझे रिजल्ट खराब नहीं लग रहे। हाँ, शायद मार्केट को कुछ और एक्सपेक्टेशन था, और प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन था, एनपीए और घटने का एक्सपेक्टेशन था, बट जिस लेवल पर स्टॉक है, जिस तरह का परफॉर्मेंस है, मुझे स्टॉक डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। करेक्शन में आपको बाय करना है। हालांकि मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट करेक्शन है। सो दीज आर द रीजन वेयर मार्केट इज रिएक्टिंग लाइक दैट। बट बिलो 90 बहुत टाइम बाद आया है, एंड इसका जो रेंज ही यही से आता है 88-105। सो यहाँ पे आपको थोड़ा लेना है, 30% नीचे आए 84-85 के और लेना है, एंड सबसे लास्ट में आपको 78-80 के रेंज पे लेना। आई डोंट थिंक इसके नीचे बहुत ये स्टॉक जाएगा। अगर ये जाता है तो सारा बैंक निफ्टी को भी गिनना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। पर यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा करके एक्युमुलेट करना है। इट्स अ बाइंग बी स्टॉक, एंड अच्छे लेवल पे स्टॉक मिल रहा है। टारगेट भी स्टॉक के अच्छे आएंगे 130-150 का। सो मंडे को डेफिनेटली मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा क्या पाना मुश्किल है, बट अगर डाउ जोन्स रिकवर करता है मंडे को, हम अपसाइड खुलते हैं। सो इस स्टॉक में थोड़ा अपसाइड आप देखोगे। ये था स्टॉक का एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।